आज के दिन की शुरुआत में मैं बाल्टा भर पानी लेके कबूतरों को खोलने के लिए जैसे ही अपने छत पे चढ़ा, अरे क्या दरबे के पास बिल्ली घात लगाए बैठी है और मुझे देखकर बिल्ली भागने लगी। मैंने भी बिल्ली का पीछा करके उसी ईटा पत्थर मार के भगाया और बिल्ली वहां से रफू चक्कर 9:11 हो गई। इस बिल्ली ने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। फिर मैंने अपने दरबे को ऊपर दरी हटाई, दरबे का दरवाजा खोला, मैंने दरबे में झांक कर देखा, मेरे कबूतरों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, मेरे सारे कबूतर ठीक ठाक है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर मैंने नीचे वाले दरवाजे खोल कर उसमें भी चेक किया, सब ठीक ठाक था, मेरे सारे कबूतर सुरक्षित हैं। मैंने दरबे को खोल दिया लेकिन मेरे कबूतर बाहर नहीं आ रहे थे क्योंकि वे बहुत डरे हुए थे। फिर धीरे धीरे मेरे सारे कबूतर बाहर आ गए और मैंने ऊपर वाला भी दरबा खोल दिया तो उसके सारे कबूतर अपने अड्डे पे बैठ गए। बड़े आराम से अपने अड्डे पे सभी बैठे हुए हैं और एक कबूतर बेचारा अकेले नीचे बैठा हुआ है। मैंने अपने कबूतरों को आवाज लगाई तो कोई कबूतर नीचे आ गए और कुछ अभी अड्डे पे बैठे हुए हैं और ये नर तो मादी के पीछे पीछे ही घूम रहा है। कबूतर इधर उधर घूम रहे हैं और सुबह की सैर कर रहे हैं। फिर मैंने नीम की टहनी तोड़कर उसकी पत्तियों को अलग करके उसमें से सीकी निकाल लिया है। कुछ कबूतर घोंसला बनाने वाले हैं, इसमें उनकी मदद हो जाएगी। मैंने सीकी ले जाकर दरबे के पास में ही डाल दिया है, इससे कबूतर को आसानी हो घोंसला बनाने में। मैंने दाना खिलाने के लिए कबूतर को आवाज लगाई और कबूतर नीचे आने लगे। मैंने दाना डाल दिया है और कबूतर सारे चुगने लगे। दाना डालते ही सारे कबूतर जल्दी से नीचे आकर चुगने लगे, लगता है बहुत ही ज्यादा भूखे हैं ये। सभी कबूतर ऊपर से नीचे आ गए और सभी आराम से दाना चुग रहे थे। कुछ कबूतर अभी भी ऊपर थे और ये हमारे टाइगर ने बहुत ही जबरदस्त अपनी एंट्री करी है। आते ही टाइगर इस काली वाली मादी के पीछे घूमने लगा और सारे कबूतर बहुत ही आराम से दाना चुग रहे हैं। पता नहीं जनाब को क्या हो गया, ये अपने पंख ही खुजलाए चले जा रहे हैं। ये तीनों तो अलग ही अपने मस्त है खाने पीने के लिए। ये हमारा न्यू पट्टा है जो तैयार हुआ है और ये दूसरा पट्टा है ये सामने जो चुन रहा है। दोनों पट्टे हमारे तैयार हो गए हैं, बहुत जल्द इनकी उड़ान होगी और मैं रोटी को महीन महीन तोड़ कर उनको दे रहा हूँ चुनने के लिए। रोटी को डालते हैं, मेरे सारे कबूतर को खाने के लिए जल्दी से आगे आ गए हैं। इन सबको आराम से रोटी खाने देते हैं। बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू।